बाद है समराइजेशन। समराइजेशन में क्या होता है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसे जब आपने टेस्ट किया, और टेस्ट के नतीजे में, टेस्ट आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए किया था, और उस एक्सपेरिमेंट्स का जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, उसे आप एवरेज निकालते हैं उसकी। ठीक है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस आपने की थी, परफॉर्म स्टेटमेंट दी थी, उसको टेस्ट करने के लिए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के रूम में। और वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, उसका जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसकी आप क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। और आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स का जो डाटा है उसे आप कंपेयर करते हैं किसके जरिए, मैथ्स के रूल्स के जरिए। ठीक है, वहाँ पे आपको मैथ्स की कुछ इक्वेशन वगैरह वो अप्लाई करनी पड़ती हैं अपने डाटा को कंपेयर करने के लिए, जो कि आपने एक्सपेरिमेंट से लिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं समराइजेशन। आगे उसके बाद आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अब रिपोर्टिंग द रिजल्ट में क्या होता है कि आपने अभी तक जितना भी वर्क किया है, अपनी फाइंडिंग्स की हैं साइंटिफिक मेथड के जरिए किसी प्रॉब्लम के ऊपर, वो जो वर्क और फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, वो आप जनरल में लोगों के सामने पेश करेंगे। उसके अलावा आप बुक्स में पब्लिश करेंगे, जो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं और टॉक्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपने नॉलेज को या अपनी फाइंडिंग्स को या अपने वर्क को लोगों के सामने रखते हैं, ताकि अदर पीपल जो हैं, ठीक है, उसे बेनिफिट ले सकें, उसे यूज़ कर सकें, ठीक है, और उसे वेरीफाई कर सकें।